हे गाइस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन सो गाइस अभी बज रहा है गुड मॉर्निंग तो नहीं बोल सकती हूँ बारह बजकर दो मिनट हुए हैं तो मॉर्निंग तो खत्म हो गई है फिर भी मैं आपको गुड मॉर्निंग विश कर रही हूँ एक्चुअली अभी हम लोग खाना ही खाने वाले हैं सब कुछ यहाँ पर लाके रख दिया है द्वीप की चेक यहाँ पे थी यार मैं कितना भी इसे क्लीन करू देखो सुबह क्लीन करती हूँ फिर भी ये मैस हो ही जाता है यहाँ पे देखो यहाँ पे कुशन फेंक दिए है वहां पर भी बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ कि मस्ती चल रही है यहाँ पर खाना ला के रख दिया है अभी हम लोग खाना ही खाने वाले हैं मस्ती चलती रहती है इनकी तो इस तरह से दिन भर दिन भर मस्ती करते रहता है ये तो बहुत मस्ती करता है तो बस यही चल रहा है अभी खाना खा लेंगे थोड़ी देर में और मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं होता है और थोड़ी सी फ्रेश हुई हूँ सुबह तो फ्रेश नहीं हुई थी बट अभी फ्रेश हुई और और मैंने ना ऑयलिंग की थी एक्चुअली दो दिन छोड़ के अभी ऑयलिंग करनी पड़ रही है नहीं तो धूल की वजह से इतने बाल खराब हो रहे हैं कि आपको क्या बताओ आज हेयर वॉश ही नहीं किया मैंने मैंने सोचा चलो ऐसे ही रहना देती हूँ रात को की थी ऑयलिंग वैसे बट आ, शाम को ये लोग जाने के बाद हेयर वॉश करूंगी क्योंकि दो टाइम नहाते हैं कभी कभी तीन टाइम भी हो जाता है बच्चों का तो तीन टाइम हो जाता है बीच बीच में बच्चे अधविक ज्यादा परेशान करता है अधविक नीचे जाता है तो एक मिनट नीचे वगैरह जाता है है कभी कभी हम लोगों का ध्यान नहीं रहता दरवाजा वगैरह खुला रहता है ना तो नीचे चला जाता है और फिर नीचे तो पूरी मिट्टी मिट्टी धूल है और पीओपी का जो वाइट वाइट कचरा रहता है ना तो वो है नीचे पूरा फैला हुआ तो इसकी वजह से पूरा भर के आ जाता है फिर ऊपर ऊपर उसे आने के बाद और नहलाना पड़ता है तो इसी तरह से उसका दो तीन बार नहाना तो हो ही जाता है दिन में और माही का भी कभी कभी तीन बार हो ही जाता है वैसे हम लोगों का दो बार होता है और आज खाने में क्या क्या बना है मैं दिखा देती हूँ आपको तो आज खाने में दाल चावल बैगन का भरता और रोटी बनाई है तो अभी हम लोग खाना ही खाते हैं पानी चाहिए ठीक पानी है एक ही बेट दो बेटा वो मैं आज को पानी दो और मैं दिखाती हूँ देखो इसमें है एक्चुअली रात के जो राइस थे वो बचे थे तो मैंने फ्राई कर लिए ये फ्राइड राइस है और हरी मिर्च नहीं थी तो इसीलिए मैंने लाल मिर्च में फ्राई किए और ये है दाल दाल प्लेन ही बनाई है आजकल दाल प्लेन ही बना रहे है। और ये है बैगन का भरता स्पून वॉश करना पड़ेगा अब और इसमें रोटी है इनका खाना हो गया है हमारा ही बाकी है और इसमें राइस है तो बच्चों को दाल चावल चाहिए होता है डेली तो इसलिए ये प्लेन दाल चावल बनाती हूँ और फिर ये बैगन का भरता और ये भी राइस है यार इतने सारे बचे हुए हैं अभी तो ये भी राइस है दही भी नहीं है इसके साथ दही होता तो मज़ा आ जाता दही भी नहीं है अभी दही लाने के लिए बोलना चाहिए था मैंने इनको बट ये बाहर गए तो मैंने दही लाने के लिए ही नहीं बोला इन्हें चलो जाने तो अभी काम चलाना पड़ेगा कैसे भी जहाँ देखो वहाँ मैस 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 ही दिखाई देगा आपको पीछे भी ये ये नीचे था तो ये मेकअप का सामान मतलब डेली जो करती हूँ वो उसमें था तो वो लेके आया है ऊपर अभी थोड़ा सा फ्रेश हुआ करूँगी नहीं तो कुछ भी नहीं था ऊपर इसीलिए फिर ऐसी रहती थी मैं तो गाइज आप भी आ जाइए खाना खाने यहाँ पर हम लोग खाना खा लेंगे उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी एक्चुअली आज ना वो हाफ डे ही करने वाले हैं काम करने वाले तो हाफ़ डे करके चले जाएंगे तो उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी इन्होंने बहुत सारी सब्जियाँ लाई है तो उसके बाद सब्जियाँ तोड़नी है मुझे वॉश करनी है सब कुछ करना है तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ नीचे ये वो लोग लो चले गए थे सिर्फ किचन ही बाकी है तो किचन भी आज से स्टार्ट होने वाला है तो किचन में भी अच्छे से पीओ पी होने वाली है तो इसीलिए किचन भी एंगेज होने वाला है किचन में तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी उसके बाद और आज मैं कुछ कुछ आपको दिखा दूंगी कि क्या क्या हुआ है मतलब बेडरूम और जो लिविंग रूम है उसका नज़ारा दिखा दूंगी आपको आप लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हो तो मैंने सोचा चलो आज आपको झलक दिखाई देती हूँ मेरे घर की क्या हालत है क्योंकि जहाँ पर अच्छा है वही मैं आजकल आपको दिखाती हूँ और बाकी कहाँ दिखाती नहीं हूँ तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आज आपको दिखाई देती हूँ आप पीछे बैकग्राउंड में दिख पा रहे हो फिर भी आपको अंदर से दिखा दूँगी कि क्या क्या हुआ है और यहाँ पर इन्होंने सब्ज़ियाँ लाई थी काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ लाई थी तो वो मैंने सोचा चलो आज वॉश करके रख देती हूँ मतलब सुबह ही लाई थी इन्होंने तो सुबह तो वॉश करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि उनके बीच में आ नहीं सकते हैं। हम लोग काम करने के तो इसीलिए वो चले गए उसके बाद मैंने सोचा चलो ये वॉश कर लेती हूँ तोड़ लेती हूँ सब्ज़ियाँ जो भी है वो और पालक वगैरह धनिया पत्ता तोड़ लिया था और उसके बाद ये जो सब्जियां है ये वॉश करके अभी सुखाने के लिए रख दूँगी एक्चुअली ये जो आप सोचोगे कि ये बॉटल में क्या है तो ये है मल्टीपर्पज़ क्लिनजर ये मामाद का इसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो बर्थडे ब्लॉग देख लेना श्रद्धा का जो बर्थडे ब्लॉग है वो देख लेना उसमें आपको रिव्यू देखने के लिए मिल जाएगा इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ और उसमें आपको परचेस लिंक वगैरह भी मिल जाएगा उसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप मेरे कूपन कोड लगा के अगर परचेस करते हो तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको तो यहाँ पर मैं यही डाल के सब्जियाँ वॉश कर लेती हूँ फ्रूट्स भी वॉश कर लेती हूँ ये मल्टीपर्पज़ क्लिनजर है मतलब इससे आप सब्जियाँ भी वॉश कर सकते हो आप फ्रूट्स भी वॉश कर सकते हो इससे आप बच्चों के टॉयज भी वॉश कर सकते हो तो इसका इस तरह से मल्टीपर्पज़ यूज़ है तो आप कुछ भी चीज़ इससे वॉश कर सकते हो तो आपको जिस जैसे लगता है कि जिस में जर्म्स है ज़्यादा तो वो चीज़ आप इससे वॉश कर सकते हो तो चलिए अभी वॉश कर लेती हूँ सारी सब्जियाँ फ्रूट्स भी थे कुछ वो वॉश करके रखे थे मैंने तो अभी हो ही रहा था सब कुछ वॉश तो मैंने सोचा चलो ये भी वॉश कर लेती हूँ क्योंकि ये ट्रेल आया था मैंने फ्रिज में से निकाल के और ये सारा वॉश करके फिर इसमें रखा था आजकल ना मैं कुछ भी क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ मतलब आप ये सोच सकते हो कि पहले तो भी मैं क्लीनिंग करके हम लोग जब नीचे थे तो क्लीनिंग करके रहते थे बट अभी ऊपर शिफ्ट हो गया ना तो नीचे की कुछ भी क्लीनिंग नहीं हो रही है सिर्फ ऊपर ऊपर से झाड़ू लग रहा है पहले वो क्लीन करके जाते हैं जितना भी वो गंदगी करते हैं वो और उसके बाद मैं एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ बस पोछा तो मैंने आठ दिन हो गया है नहीं मारा होगा नीचे आठ दिन से पोछा ही नहीं मारा है नीचे क्योंकि क्या फ़ायदा पोछा भी मार के कुछ भी नहीं होता है एक्चुअली uh, अगर मैं पूछा भी मारूँ ना तो दूसरे दिन वैसा के वैसे ही हो जाता है और मेरी मेहनत पूरी मतलब वो हो जाए वेस्ट हो जाती है तो इसीलिए मैं कुछ भी नहीं करती हूँ वैसे के वैसे ही रहने देती हूँ वो तो आज आप देख लो कि बाद में कि क्या क्या हुआ है तो आपको नज़ारा दिख जाएगा मेरे घर का कि हम लोग कैसे रह रहे हैं और मुझे भी इतना गंदा लग रहा है कि आपको क्या बताओ तब पैर मेरे ऐसे पहचान में नहीं आ रहे कि कैसे दिख रहा है पहले तो मुझे ये सारा चीज़ होने के बाद मैंने क्यों और क्योर करना पड़ेगा इतना गंदा हो चुका है सबसे ज़्यादा तो गंदे मेरे पैर हो गए हैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी पेडी का आप लोग अगर बोलोगे तो और हाँ यहाँ पर बस सब्जियाँ वॉश हो गई है डाइनिंग पे ऐसे ही सब्जियाँ थोड़ी देर सूखने दूंगी उसके बाद सब्जियाँ सूख जाएगी तो मैं ट्रे में भर के और रख दूंगी फ्रिज में और फ्रिज भी इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है मेरा कि फ्रिज को अंदर से दिखाने का भी मन नहीं करता है मेरा आपको मतलब देखोगे ना मुझे शर्म आ रही है आपको दिखाने की अंदर से फ्रिज को बट क्या करूँ यार मेरा तो बिल्कुल घर में भी मन नहीं लगता है मेरा कुछ भी करने का मन नहीं लगता है और ऊपर से आप लोगों से डेली बात नहीं हो पाती है तो और भी ज़्यादा खराब लगता है क्या कर सकते हैं ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग रेगुलर मिला करेंगे और आपको बैक टू बैक अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मिलेंगे उसके बाद एक्चुअली बहुत कुछ मतलब अभी खाली दिमाग है तो बहुत कुछ सोच के रखा है कि ये डालूंगी वो डालूंगी बट जगह नहीं है डालने के लिए मतलब वीडियो बनाने के लिए भी जगह नहीं है एक्चुअली बस ये किचन अभी दिख रहा है आपको थोड़ा सा क्लीन मतलब ज़्यादा आपको दिखाती भी नहीं हूँ मैं किचन में आप सिर्फ मुझे खाना बनाने के टाइम देखते हो तो गैस का स्लैब तो मेरा हमेशा क्लीन ही रहता है तो वो दिखता है आपको और ये डाइनिंग का दिखता है तो डाइनिंग भी क्लीन ही रहता है अभी काम चलने वाला है तो काम के बाद तो खराब ही होने वाला है और हाँ ये एप्पल थोड़ा सा खराब था तो जब मैंने काटा ना पूरा ही खराब निकला वो तो वो मुझे फेंकना ही पड़ा और यहाँ पर आप देख सकते हो ये है बेडरूम अभी बेडरूम का नज़ारा देख लीजिए अब आप खो खुद पता चलेगा कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ और क्या हालत हो चुकी है मेरे घर की मुझे शर्म आ रही है दिखाने में आपको फिर भी आप देख लीजिए आप भी मेरे घर के मेम्बर ही हो तो आपको देखने का हक बनता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये सीलिंग हुई है इस तरह से बिल्कुल सिंपल से रखी है बट कलरिंग के बाद अच्छी लगेगी तो इसके बाद ये बेड पे कवर करके रखा है यहाँ पर उनका वो सामान है पूरा तो ये कुछ हुआ है इस तरह से अब ये जो टेक्सचर बनाया हुआ है ना ये जो पर्पल कलर का वो बहुत बोर हो चुके हैं हम लोग तो इसीलिए ये मिटा रहा है पूरा और वैसे भी वो गंदा तो हो ही चुका है तो इसीलिए ये मिट जाएगा पूरा उसके तो बाद दूसरा उस पर टेक्स्चर बनेगा तो मैं सोच रही हूँ वॉलपेपर लगाओ ये बोल रहा है कि टेक्स्चर लगाएंगे अभी देखते हैं किसकी चलती है मतलब हो सकता है टेक्स्चर बनाए या हो सकता है वॉलपेपर बनाए डिसाइड होगा लास्ट में तो फिर भी आप इतना जो हुआ है वो देख लीजिए यहाँ पर ना पीवीसी का एक टुकड़ा कम पड़ गया था तो इसी वजह से ये पीवीसी भी बाकी है तो बस ये देख लीजिए ये हो गई बेडरूम कंप्लीट अभी ये हम लोग हॉल में आए मतलब लिविंग रूम में तो लिविंग रूम में इतना सारा कचरा पड़ा है मतलब ये जो है ये आ, क्या बोलते पुट्टी की बैग है पुट्टी के बैग्स है और उसके बाद ये यहाँ पर कलरिंग के डिब्बे हैं उसके बाद ये जो टी वी यूनिट के नीचे का था वो है वहाँ पर रख दिया है हमने और ये सोफा ला के रख दिया है आप लोगों को सोफे की चिंता हो रही थी क्योंकि हम लोगों ने बाहर ही रखा था सोफा और उस टाइम बारिश हो रही थी तो थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट किए आप लोगों ने मुझे बताया कि दी आपका सोफा खराब होगा जल्दी से अंदर लेके आइए तो क्या कर सकते यार मतलब जगह भी नहीं थी घर में इसीलिए वो सोफा बाहर रखना पड़ा था उसके ऊपर हम लोगों ने प्लास्टिक डाला था वो गंदा नहीं हो रहा था फिर भी हम लोग उसे अंदर ले आए क्योंकि अभी अंदर जगह हो गई थी और वहाँ खाली दे दिया और उसके ऊपर अभी के रख दिया है सारा कुछ और सीढ़ियों की हालत देख लीजिए आप सीढ़िया तो देखने लायक भी नहीं है मेरी सीढ़िया ऐसी चमकती थी ना पहले कि उसमें आप मुंह देख सकते थे अपना बट अभी सीढ़ियों का ही मुंह नहीं दिख रहा है आपको मैं क्या बताऊँ और यहाँ पर रेफ्रिजरेटर का जो बॉक्स है वो रखा है उसमें कुछ सामान रखा था हमने तो एक्चुअली नहीं सामान नहीं है उसमें जो हमारा पुराना फ्रिज है ना वो रखा है उसमें एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि ये जो पुरानी वॉशिंग मशीन है वो भी हमने ऐसी रखी है पुराना फ्रिज है वो भी ऐसे रखा है मैंने इनको बोला है अभी कि ये जो पुराना फ्रिज और वॉशिंग मशीन है ना वो वो हम लोग वही शॉप में दे देंगे मतलब एक्सचेंज में दे देंगे और कोई चीज़ लेके आएंगे तो ये बोल रहे कि वहाँ पर इतनी बड़ी लेके जाना और ये वो भंगार में दे देते हैं तो मैंने बोला यार अच्छा ही है फ्रिज तो बहुत अच्छा है मेरा अंदर से पुराना वाला भी बट क्या करें थोड़ा सा बड़ा चाहिए था तो इसी वजह से ये लिया था अभी ये भी थोड़ा छोटा पड़ रहा है कि अब फ्रिज ही चेंज करते रहे कि ये समझ में नहीं आ रहा है उसी टाइम मैंने डबल डोर लेना चाहिए था जब ये लिया था इसे भी ज़्यादा साल नहीं हुआ है इसे ज़्यादा से ज़्यादा ढाई या तीन साल हुए होंगे बस ढाई तीन साल पहले का है ये बट अब ये भी कम पड़ रहा है मुझे क्या करें ज़रूरतें बढ़ती जाती है यार क्या कितना भी कोशिश करो हम लोग नहीं इसमें चला लेंगे बट नहीं अभी देख सकते हो आप में इस कितना है क्योंकि दोनों भी फ्लॉर पॉट वो सारी चीज़ें यहाँ पर लेके आए हैं किचन में और ये वो गैस के स्लैब पे भी कितना सारा मेस है तो यहाँ पर चाय बन गई है आप भी आ जाइए पीने के लिए शाम की चाय है शाम की चाय आज साथ में पियेंगे क्योंकि कितने दिनों से साथ में पीने का मौका ही नहीं मिल रहा है तो आज शाम की शायद साथ में पियेंगे क्योंकि वो लोग जल्दी ही चले गए थे आप लोगों को जैसे मैंने बताया तो वो लोग जल्दी चले जाने के बाद तो हम लोग शाम की चाय अभी आज साथ में पियेंगे नहीं तो शाम की चाय पीने का बिल्कुल मौका ही नहीं मिल रहा था और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तीसरा कप किसका है तो ये माही का कप है आज माही भी बड़ी हो गई है माही को भी चाय ही चाहिए आज तो वैसे वो दोनों बोनविटा दूध पीते हैं बट उसको भी आज चाय चाहिए तो उसके लिए भी बना दी अदरक वाली चाय और हम लोग यहाँ पर चाय पी लेते हैं आप भी आज जाइए चाय पीने और ऐसा मौका अभी इसके बाद बहुत दिनों के बाद आएगा साथ में चाय पीने का क्योंकि यहाँ पर काम चलेगा तो फिर डाइनिंग भी यहाँ पर नहीं रहेगा सारा कुछ लिविंग रूम में हम लोग शिफ्ट कर देंगे मतलब फ्रिज डाइनिंग सब कुछ लिविंग रूम में शिफ्ट कर देंगे हम लोग क्योंकि अभी उधर का काम चल रहा था तो यहाँ पर सब कुछ ला के रख दिया था अभी यहाँ का, का काम चलेगा तो वो लिविंग रूम में शिफ्ट कर देंगे एक एक रूम वो नीचे की अभी कंप्लीट करेंगे और जब तक नीचे का सारा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम लोग ऊपर से नीचे नहीं आएंगे तो हम लोग तब तक ऊपर ही रहेंगे नीचे बोल रही थी ऊपर ही रहेंगे हम लोग और नीचे का सारा कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे देखो आप मतलब आप अभी सोच सकते हो कि मुझे कितनी ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ेगी मतलब मेरी हालत तो ख़राब होने वाली है इसके बाद तो मैं अभी से सोचने लगी हूँ कि इतनी ज़्यादा गंदगी है इतना ज़्यादा कुछ मतलब पड़ा है कलरिंग के बाद तो वो लोग क्लीन करके जाएंगे कुछ बट बाकी का जो है वो तो मुझे ही सारा क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि स्टोर रूम में भी काफ़ी सारी धूल जमा हो गई है कंटेनर पे तो वो भी मुझे क्लीन करना पड़ेगा और वैसे भी अभी दिवाली से पहले होगा तो दिवाली की जो साफ़ सफ़ाई है उसी में हो जाएगी तो ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है मेरे लिए नहीं तो फिर मुझे दिवाली की साफ सफाई अलग से करनी पड़ती और ये वाली साफ़ सफ़ाई अलग से करनी पड़ती तो इसके साथ साथ अभी दिवाली की भी साफ़ सफ़ाई हो ही जाएगी चलो अच्छा है ये मेरे लिए जो भी आगे होगा वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी और आप भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मुझे कुछ दिनों के बाद आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग भी देखने के लिए मिल ही जाएंगे तो चलिए फिर तब तक के लिए आप वेट कीजिए ब्लॉग का और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए इसके साथ मेरे दो और चैनल है तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिएगा सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे टिल देन बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल